जी देखा आपने आखिर क्या हुआ? जय माला चल रही थी, घराते और बाराते स्टेज पर मौजूद थे। दुल्हा अपनी होने वाले दुल्हन को जैसे ही जयमाला पहनाता है, तभी कुछ ऐसा होता है कि हर कोई हैरान रह गया। दुल्हन अचानक दुल्हे को 2-3 चाटे जड़ देती है और स्टेज से चली जाती है। ये सब कुछ हुआ यूपी के हमीरपुर जिले में। हालांकि बाद में दुल्हा और दुल्हे पक्ष आपस में ही झगड़ने लगे और फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की समझाइश कर जयमाला वापस कराई। वैसे अब दुल्हन की थप्पड़ मारने की वजह आपको बताते हैं। ललपुरा थाने इलाके में शादी थी, बारात जालौन जिले से आई थी। जयमाला के वक्त दुल्हा शराब के नशे में था। दुल्हा रविकांत ने शराब पी थी। जब जयमाला का समय आया और जैसे ही दुल्हे रविकांत ने दुल्हन को वरमाला डाली, वैसे ही दुल्हन ने दुल्हे के थप्पड़ जड़ दिए। हालांकि लोग ये बताने को तैयार नहीं कि दुल्हन ने दुल्हे को आखिर थप्पड़ क्यों मारा, लेकिन दबी जुबान से लोगों ने बताया कि दुल्हा शराब के नशे में था। हालांकि मामला सुलझाने के बाद दुल्हन की उसी दूल्हे के साथ पूरे रीति रिवाज के साथ विदाई कर दी गई, लेकिन थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है।